मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए की विशेष अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज की। पुरोहित प्रज्ञा समेत सभी 7 अभियुक्तों पर आतंकी साजिश का मुकदमा चलेगा। अगली सुनवाई 2 नवम्बर को। दिवाली में पटाखे जलाने के 2 घंटे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें तय करेंगी पटाखे जलाने के 2 घंटे। ग्रीन क्रैकर्स की शर्त सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, बाकी देश में सामान्य पटाखे जलाए जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए 1 नवंबर से नया एक्शन प्लान लागू होगा। एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ तो निजी गाड़ियों पर रोक लगेगी। WHO की रिपोर्ट में दावा, जहरीली हवा से भारत में 2016 में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के। ढेंकनाल में करंट लगने से 7 हाथियों की मौत पर NGT ने स्वतः संज्ञान लिया। ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। जांच के लिए कमेटी गठित। NDA की सहयोगी पार्टी RLSP मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों का दौर जारी। अब दंतेवाड़ा के अरनपुर में हमला करके 2 जवानों की हत्या, दूरदर्शन के कैमरामैन की भी मौत। और सरकार और RBI के बीच टकराव पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा बैंकों को लोन देने के दौरान RBI ने अनदेखी की।